ये चित्र दे रखा है आपके सवाल के अंदर, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर, और दे रखा है पीके अपॉन केएस, जो रेशो इसमें और इसमें है वही रेशो पीटी बटा टीआर में है, और साथ में दे रखा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर। हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है आपके, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब कैसे देखो, ध्यान दो, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला सबसे बड़ा ट्राइंगल, ये वाला सबसे बड़ा, इसमें बीच में लाइन दे रखी है आपके, ये वाला ट्राइंगल का नाम है पी एस आर, ये कौन सा ट्राइंगल है आपके, आइसोसेलेस। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड क्या है आपके, इक्वल। अगर साइड इक्वल होगी तो कौन सा ट्राइंगल है आपके, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। कैसे देखो, ध्यान दो, सबसे पहले नाउ बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखो, ये सवाल में दे रखा है पी के अपॉन के एस। देखो इस ट्राइंगल में पी के कौन सा ट्राइंगल है, पी एस आर। इसमें देखो आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, पी के अपॉन के एस इज इक्वल टू पी टी बटा दे रखा है आपके टी आर। ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन मतलब आपके ये दोनों प्रोपोर्शनल है और ये दोनों प्रोपोर्शनल, दोनों क्या है आपके इक्वल है, और ये है क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके गिवन है। अब थ्योरम नंबर है आपके 6.2, जब लाइन क्या हो प्रोपोर्शनल तो ये साइड क्या होती है आपके पैरेलल, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी आपके पैरेलल, क्या होगा के टी पैरेलल होगा आपके एस आर, क्या होगा, कारण है थ्योरम नंबर 6.2। अगर लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा आपके इक्वल होगा, एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के, या एंगल वन बोलो या उसका नाम है दे रखा है पी के टी, तो दे रखा है इसके अंदर पी के टी, वो लिखिए एंगल पी के टी इक्वल होगा आप तो पूरा नाम क्यों बोली पी एस आर के, कारण बताओ अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन आपके प्रोपोर्शनल है तो साइड क्या होगी पैरेलल, और पैरेलल साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कारण हो जाएगा आपके कॉरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि दोनों एक तरफ के कोण कोण है, तो इधर भी आपके सेम। अब देखो ध्यान दो, ये कोण और ये कोण क्या है आपके बराबर है, ये वाला कोण कौन सा पीकेटी बराबर क्या है पीआरएस, ये सवाल के अंदर क्या है आपके गिवन है, कोण पी के टी बराबर है ये वाला कोण पी आर एस, तो ये दोनों बराबर क्यों है, क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर, पी एस आर इक्वल होगा एंगल पी आर एस के। देखो ये कोण इसके बराबर है, कारण क्वेश्चन में गिवन है, ये और ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि लाइन क्या हो गई आपके पैरेलल, ये इसके बराबर तो तीनों क्या हो गए आपके बराबर, ये और ये कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो पी ट्रायंगल पी एस आर इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, है समझे, ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन में गिवन है, जब लाइन प्रोपोर्शनल हो तो साइड क्या होती है पैरेलल, थ्योरम नंबर 6.2, जैसे ही पैरेलल हुई तो उसके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, कारण क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला इसके बराबर है क्वेश्चन में गिवन है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो तीनों क्या हो गए आपके बराबर, हमें केवल इन दोनों के नाम चाहिए, अगर ये दोनों कोण इक्वल होगा तो ये वाला जो ट्राइंगल है क्या कहलाएगा आपके, जिस ट्राइंगल के दो कोण इक्वल हो वो होता है आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है,